क्या हुआ है? ये क्या बदतमीजी है जिया? हाँ, हाँ? और जो आज स्टेज पे तुमने नौटंकी की है उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर देखो मेरी बात दूंगी? सुनो जिया, ये वे ऑफ टॉकिंग अब नहीं चलेगा। ये मैं तुम्हें पहले से समझा दूँ। हाँ नहीं नहीं अरसल, तुम देखो मैं हमेशा से ऐसी थी और हमेशा ऐसी रहूंगी, तो मुझे समझाने से बेहतर है कि तुम खुद को समझा लो। अब देखो जिया, लड़कियों को ही अपने आप को सेटल करना पड़ता है अपने लाइफ पार्टनर के मुताबिक। तुम कोई अनोखा काम तो करने नहीं जा रही इस दुनिया में। हाँ अरसल, मैं अजिया नजाकत अली हूँ, ठीक है? आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ, तो कीप दैट इन योर माइंड। और मैं अरसल जमशेद अली हूँ, इज्जत करना भी जानता हूँ और इज्जत करवाना भी जानता हूँ। कीप दैट इन योर माइंड। जो तुमने आज इज्जत अफजाई मेरी कराई है ना शादी हॉल में, उसके बारे में तुम्हें बाद में पूछूंगी, लेकिन पूरी जिंदगी में तुम्हें माफ नहीं करूंगी। देखो जिया, तुम फिर बदतमीजी कर रही हो। यू बेटर स्टॉप, ओके? मैं बदतमीजी कर रही हूँ? हाँ, क्या बकवास क्या कर रहे हो तुम? तुम अपनी बकवास बंद करो। अगर नहीं करोगे तो क्या कर लोगे? मैं तुम्हारा क्या 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 मुंह क्या? मेरे कमरे से बाहर निकलो अभी के अभी। मेरे कमरे से बाहर निकलो। शायद तुम भूल गए हो, अब ऑफिशियली ये कमरा मेरा भी है। ऑफिशियली अनऑफिशियली मैं कुछ नहीं जानता। मेरे कमरे से बाहर निकलो, ये बचपन से मेरा कमरा है। तो तुम निकल जाओ ना अभी, अगर तुम्हें मुझसे इतना दूर रहने का शौक हो रहा है तो। क्या देखो, मुझसे बदतमीजी मत करो, अच्छा नहीं होगा। मैं करूंगी तुमसे बदतमीजी, क्या कर लोगे? और ये क्या पूरे बेड पे ये क्या फैलाया हुआ है? मेरा जोड़ा है और ऐसे ही फैला रहेगा। ज्यादा मसले तो खुद बाहर चले जाओ। बल्कि मुझे लग रहा है कि मैं तो बहुत थक गई हूँ, अब मुझे सो जाना चाहिए। ये क्या? जिया, अरसल के बच्चे ने तो लगता है शादी रोब जमाने के लिए की है मेरे साथ। जरा भी लिहाज नहीं किया, चंद घंटों की दुल्हन का कैसे इंसल्ट करवा दी मेरी सबके सामने इस जंगली ने। ये जिया है तो नजाकत चाचा की बेटी, लेकिन अपने रिश्ते की नजाकत को कभी नहीं समझेगी। क्यों नहीं देती मुझे वो रिस्पेक्ट जो एज अ हस्बैंड मैं डिजर्व करता हूँ? लगता है ज्यादा ही बदतमीजी कर दी मैंने इसके साथ। क्या था, मान लेती उसके बाद पागल खुश हो जाता, अब मुंह फुलाकर बैठ गया दूसरी तरफ। इतनी सख्ती से नहीं कहना चाहिए था मुझे, ये बात किसी और मौके पर भी तो की जा सकती थी ना, मना लेना चाहिए। I'm sorry, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। It's okay, मैं भी कुछ ज्यादा ही हाइपर हो जाता हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आइंदा ऐसी बात ना करूं। मैं भी कोशिश करूंगा कि वैसे दोबारा ना। लेकिन बहुत सख्ती से बात की थी। वैसे एक बात है, मैं बहुत प्यारी लग रही। थैंक यू। दिल चाह रहा है आज फिर तुम्हें कहूं। क्या? चंदा। अरसल बदतमीजी ना करो, चुप करके वहां जाके बैठो दोबारा। चंदा, प्यार से कह रहा हूँ। अगर फिर दोबारा प्यार से तुमने मुझे चंदा कहा ना, तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। अच्छा नहीं कहता। सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा। ऐसा नहीं करो ना। प्यारी लग रही हो तुम आज। लव यू। आई लव यू टू। सुनो चंदा, सुनाऊं तुम्हें एक कहानी। आओ सुनाऊं तुम्हें एक कहानी, जहाँ का था राजा वहाँ की थी रानी। सुनो चंदा,
चंदा सुनो चंदा किस्सा सभी का था हिस्सा थी चांदी की गुड़िया था सोने का गुड्डा नजर लग गई जैसे इस दोस्ती को था गुड्डा दीवाना थी गुड़िया दीवानी सुनो चंदा